इंडिया पाकिस्तान का गेम है, तो आप क्या सोच रहे हो? फैंस आपको मिल रहे, पाकिस्तान फैंस आप इंडियन प्लेयर्स को मिल रहे, इंडियन फैंस पाकिस्तान प्लेयर्स को मिल रहे। आई थिंक ये बाहर मतलब आप लोगों के लिए अनयूजुअल होगा, हमारे लिए अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि हम हमेशा इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं ये चीज़। और जब भी हम ग्राउंड पे जाते हैं, फैंस, क्रिकेट के फैंस जितने भी है आते हैं गेम देखने के लिए, उनको क्रिकेट, उनको गेम देखना है, एट द सेम टाइम उनको प्लेयर्स को मिलना है, प्लेयर्स को देखना है। तो ये बहुत से लड़कों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। टीम में हमारे कुछ नए लड़के हैं, उन्होंने शायद नहीं किया होगा, बट उनके लिए हो सकता है ये अनयूजुअल हो, बट बहुत से लोगों के लिए अनयूजुअल नहीं है ये। इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा मेरे ख्याल से इस चीज़ का वेट किया जाता है, पूरी दुनिया इसको एंजॉय करती है। मेन चीज़ ये कि लोग क्रिकेट को एंजॉय करते हैं और हम भी एज अ प्लेयर, एज अ टीम एंजॉय करते हैं कि जितना अच्छा ऑन द डे हम क्रिकेट खेलें, लोगों को ये है कि हैप्पी करें अपनी परफॉर्मेंस के साथ। जहाँ तक राइवलरी की सवाल है, दोनों अच्छे टीम है, आप आमने सामने खेलेंगे, अच्छा क्वालिटी मैच तो होगा ही और उसके बारे में चर्चा होगी, बट आई एम श्योर कि दोनों टीम के लिए ये एक जस्ट मैच है जो दोनों टीम कोशिश करेगी जीतने के लिए। कॉन्फिडेंस होता है, और ये नहीं कि हम बड़ी बड़ी बातें करें, ज़रूरी नहीं है बड़ी बातों से कुछ होता है। मेरे ख्याल से जितना आप ग्राउंड में अपने आप को दिखाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है और मेरे को भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच की क्या क्या महत्व रहता है, और इसमें पूरा इंडिया पूरा पाकिस्तान बड़ा एक्साइटेड रहता है इस मैच को देखने के लिए, तो बड़ा अच्छा मैच रहेगा। और इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस है पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि बहुत अच्छी रही है और टीम बड़ी स्ट्रांग है और हमारी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर तरीके से पूरी परिपूर्ण है, और अच्छा रहेगा इंडिया के लिए भी, पूरा टूर्नामेंट भी अच्छा रहेगा और कल का मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं, भारत का प्रदर्शन हमेशा शानदार रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और जिस तरह की भारतीय टीम है तो मुझे पूरी आशा है कि कल भी भारत ये मैच आसानी से जीतेगा, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है, बहुत शानदार टीम है भारत की, और वो ज़रूर भारी पड़ने वाली है पाकिस्तान के ऊपर। स्पेशल मैच रहता है जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, और अच्छा है, सभी स्पोर्ट्समैन तो अपना एक स्पोर्ट्समैनशिप से खेलते हैं, लेकिन दोनों देशों की जो जनता है उनके लिए एक स्पेशल डे रहता है, स्पेशल स्पेशल मैच देखने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या अपना जतन करते हैं टिकट लेने के लिए या इस तरीके से, बड़ा एक्साइटमेंट रहता है इस मैच को जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। और दूसरा, मैं भी खेला हूँ और देखा भी है, तो इंडिया टीम आज के दिन देखी जाए तो पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है। बहुत डेप्थ है हमारी बल्लेबाजी में, और जिस तरह की फॉर्म में ऋषभ पंत हैं, हार्दिक पांड्या हैं, या केएल राहुल ने लास्ट मैच में जिस तरह थोड़ा सा फॉर्म दिखाया अपना, तो मुझे लगता है कि भारत के पास बहुत डेप्थ है। लेकिन हाँ, प्रेशर गेम है, तो इन दोनों में से एक का चलना बहुत ज़रूरी है भारतीय टीम की जीत के लिए। ग्राउंड में भी थोड़ा एक्साइटमेंट भी रहती है और थोड़ी नोक झोंक भी रहती है, लेकिन मैं भी एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और स्पोर्ट्समैनशिप से ही हम लोगों को खेलना भी चाहिए। देखो, बातें होती रहती है, कुछ हंसी मजाक भी होते हैं, कुछ कई बार तकरार भी हो जाती है, तो मैं सबसे ये कहूँगा सब शांति बना के रखें और इस खेल का आनंद उठाएं तो अच्छा रहेगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो हाई वोल्टेज मैच रहता है, तो इसके लिए हमारे प्लेयर्स लोग को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सारी इंडिया जो है वो उनको सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी सब उत्सुक रहते हैं, तो उनको हम जितना हो सकते हैं उतना सपोर्ट देने का कोशिश करते हैं। और पहले से ही जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ही हमारे लिए एक त्यौहार जैसा रहता है, क्योंकि वो ऐसा मैच रहता है कि हमारे लिए वो जश्न मनाने का एक मौका रहता है वो जीतने के बाद, तो काफ़ी एक्साइटेड इवेंट रहेगी हम लोग में भी और जो प्लेयर लोग हैं उनमें भी रहेगी। यस, मुझे लग रहा है कि जीत के ही आएंगे क्योंकि आजकल बहुत ही अच्छा खेल रही है, ऑफ लेट जितने जितने मैचेस हुए सब विन हो रहे हैं, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जीतेगी इंडिया। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो हमारे जिसमें के बॉलर से लेके जो 11 के 11 प्लेयर लोग हैं वो काफी उनका खुद का बहुत 100% देने के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि भले उनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा भी रहे लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच रहता है तभी हमारे सारे प्लेयर जो रहते हैं उनमें अलग सी एनर्जी रहती है, तो अगर जो पास्ट पास्ट में जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं भी किया वो भी बहुत अच्छी तरीके से खेलेंगे। टफ मैच तो होएगा, एक्सपेक्टेड है, बट मुझे फिर भी कॉन्फिडेंस है कि